ग्वालियर लोकसभा सीट से टिकट की दौड़ में पिछड़े भाजपा के वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बंद कमरे में मुलाकात की। इस चर्चा के दौरान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे। हालांकि दोनों ही नेताओं ने इसे दोस्ताना मुलाकात बताया। देखिए ये खबर। जयभान सिंह पवैया से मिलने पहुंचे सीएम मोहन यादव। बंद कमरे में सीएम यादव और जयभान सिंह पवैया के बीच हुई बातचीत। लोकसभा चुनाव लड़ने की दौड़ में सबसे आगे थे पवैया। ग्वालियर दौरे पर आए प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया के घर पहुंचे, जहां उनके साथ विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। जयभान सिंह पवैया से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आज मेरे इस शहर में कई कार्यक्रम थे, ऐसे में मेरे अपने वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया जी के निवास पर आया हूँ। मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। विद्यार्थी परिषद के समय से मुझे उनका मार्गदर्शन मिलता रहा है। आज मेरे कई कार्यक्रम थे और ऐसे में मेरे अपने वरिष्ठ नेता माननीय जयवान सिंह पवैया जी के निवास पर आया हूँ। उनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध है। विद्यार्थी परिषद के समय से उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। मेरे साथ माननीय विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी तोमर जी भी, हमारे वरिष्ठ नेता भी यहाँ मौजूद है। मैं उम्मीद करता हूं कि विकास के मामले में हमारे ऐसे सभी सामूहिक रूप से प्रयास होते रहेंगे और ग्वालियर को जो आज सौगातें मिली है, भगवान करे ऐसे लगातार और लगातार सौगातें मिलती रहे। मैं सदैव ग्वालियर के विकास में और पूरे प्रदेश के विकास में सभी वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन लेते हुए ये क्रम जारी रखूँगा। बहुत धन्यवाद। वहीं मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद जयभान सिंह पवैया ने कहा कि मोहन यादव जी से हमारे ताल्लुकात वैचारिक अधिष्ठान के हैं। पवैया ने खुद को एबीवीपी का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बताते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी एबीवीपी का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं। उनसे वैचारिक और पारिवारिक रिश्ता है मेरा। टिकट न मिलने पर नाराजगी के विषय को लेकर पवैया ने कहा कि ये सवाल मेरे लिए काल्पनिक है, इसलिए इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। देखिए, डॉक्टर मोहन यादव जी से हमारे ताल्लुकात एक वैचारिक अधिष्ठान के हैं। मैं भी एबीवीपी का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हूं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी एबीवीपी के ही प्रोडक्ट हैं। तो हम दोनों का रिश्ता वैचारिक रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है पुराना। आज वो आए यहाँ, मुझे अच्छा लगा। और मध्य प्रदेश के सबसे बड़े पद पर रहकर भाजपा के उन कार्यकर्ताओं को याद रखना है जिन्होंने जीवन के 4 दशक दिए, 3 दशक दिए, ये पार्टी को मजबूती देता है। कोई नाराजगी जैसी बात तो नहीं है? कोई मनाने तो नहीं आए थे? क्योंकि टिकट कटा है आपका, ऐसा लग रहा था कि टिकट मिलेगा, फिर पार्टी ने टिकट नहीं दिया। ये सवाल मेरे लिए काल्पनिक है, इसलिए इसका जवाब दिया नहीं जा सकता। कुल मिलाकर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव के महासमर में जीत की तैयारी के लिए भाजपा एक एक कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़कर मिशन 29 को फतह करना चाहती है। यही कारण है कि सीएम मोहन यादव जयभान सिंह पवैया से बातचीत करने उनके घर पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, ग्वालियर।